इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। महाराष्ट्र में अहमदनगर के पास पेड़ों के बीच स्थित है फराबाग महल। हालांकि आज ये जर्जर हालत में है, इसे देखकर ये सोच पाना भी मुश्किल है कि कभी ये भारत के सबसे खूबसूरत महलों में से एक हुआ करता था। जर्जर अवस्था के बावजूद ये हमें अहमदनगर के निजामशाही वंश की याद दिलाता है, जिनका कभी यहाँ शासन था। सन 1490 में जो नार के सूबेदार मालिक अहमद निजाम शाह ने बहमानी हुकूमत से खुद को आज़ाद करने की घोषणा कर दी थी, उसी के साथ निजामशाही सल्तनत की स्थापना हुई। सन 1494 में उन्होंने नई राजधानी की नींव डाली, जिसे अहमदनगर नाम दिया गया। शहर के बीचों बीच एक किला बनवाया गया, जिसे अहमदनगर किले के नाम से जाना जाता है। निजामशाही शासकों ने यहाँ 106 साल तक शासन किया और आखिरकार सन 1600 में वे मुगल सेना से हार गए। सन 1818 में अंग्रेजों ने अहमदनगर किले पर कब्जा करके इसे जेल में तब्दील कर दिया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को यहीं कैद किया गया। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी। किले से थोड़े दूर स्थित है फराबाग महल, जिसे आप देखने जा सकते हैं। ये महल निजामशाही के समय की वास्तुकला का खूबसूरत नमूना है। निजामशाही के समय अहमदनगर शहर के चारों तरफ बाग हुआ करते थे, जहां सुल्तान और रईस शिकार करने के बाद आराम करने जाते थे। फराबाग महल, जिसे फराबख्श बाग भी कहते हैं, ये महल मुर्तजा निजाम शाह ने 1583 में बनवाया था। कहा जाता है कि महल पहले लकड़ी का बनवाया गया था, लेकिन खराब डिज़ाइन की वजह से इसे फौरन ढहा दिया गया। इसके बाद प्रसिद्ध फारसी वास्तुकार नेमत खान समनानी को ईरान के हश्त बहिश्त बाग यानी आठ स्वर की तरह ही एक नया महल बनाने को कहा गया। इस तरह के डिज़ाइन से बनाए गए महलों में बीच में एक बड़ा हॉल होता है, इसके चारों तरफ आठ कमरे बने होते हैं। फराबाग महल फारस की चार बाग शैली में बनवाया गया था, जिसमें एक जैसे बगीचे, झरने और 12 दरियां थीं। महल के चारों तरफ तालाब, आम और इमली के पेड़ थे। फारसी ग्रंथ बुरहाने मासिर यानी मुस्लिम इतिहास के अनुसार हवेली में भव्य दरबार लगा करते थे और समारोह तथा मुशायरों का आयोजन होता था। ये महल कितना भव्य दिखता होगा, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि अब तो यहाँ बस महल का एक खाली खोली नजर आता है। उन दिनों महल की दीवारें पेंटिंग्स और कांच से सजी रहती थीं। सन 1600 में महल पर मुगलों के कब्जों के बाद पहले मुगल और बाद में मराठा शासक कभी कभी जब अहमदनगर आते थे तब इसी सराय को इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन सन 1818 में अंग्रेज़ों के आने के बाद ये पूरी तरह बर्बाद हो गया। अंग्रेज़ों ने महल में सिल्क का कारखाना लगा दिया और बगीचे, बाहर के मकान और भीतर की साज सज्जा सब नष्ट कर दी गई। बाद में अंग्रेज सेना ने मैदान को खेत में बदल दिया और महल को बैलों का तबेला बना दिया। सौभाग्य से भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1909 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। आज भी महल में अहमदनगर के निजामशाही शासकों के जमाने की झलक देखी जा सकती है।